प्रधानमंत्री जन औषधि योजना लंबी बीमारियों से पीड़ित रोगियों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत मरीजों को बाजार भाव से काफी कम कीमत पर दवाइयां मुहैया कराई जा रही हैं, जिससे इलाज के लिए आम जनता को दवाओं के भारी भरकम बिल से राहत मिल रही है। योजना की खास बात यह है कि इसके तहत मधुमेह, पेट की बीमारियों, हृदय रोग, गुर्दे की बीमारियों सहित लंबी चलने वाली तमाम बीमारियों की दवाएं बाजार कीमत से काफी कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जो इलाज के लिए दवाइयां महंगी मरीजों को मिलती थी, अब वो सस्ते दर पर और अच्छी से अच्छी दवाइयां अब लोगों को प्राप्त होने लगी है। भविष्य में आने वाले समय में मरीजों को इससे बहुत ही फायदा पहुंचेगा और इसका लाभ लोगों को प्राप्त हो सकेगा। बहुत अच्छी शुरुआत की है उन्होंने। इसमें जो पेशेंट हैं, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अधिकतर गरीब पेशेंट ज़्यादातर लोग आते हैं, तो यहाँ पे दवाइयाँ सस्ते दामों में अच्छी से अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिससे मरीजों को इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। जन औषधि योजना गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। पहले जिन दवाओं के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब वो महज कुछ सौ रुपए खर्च करने पर मिल रही हैं। जो दवाई डॉक्टर साहब बाहर मेडिकल से लिखते थे, उसमें हम ले नहीं पाते थे, तो यहाँ कम प्राइस में दवाई मिल रहा है, इससे हमारे मरीज के ट्रीटमेंट करा पा रहे हैं। जन औषधि केंद्र खुलने से हमें अभी बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। जो महंगी दवाइयाँ हम बाजार से खरीदते थे, वो हमें यहाँ पे सस्ती दरों पे मिल रही है, और जिससे हमारे पैसे भी बच रहे हैं और काम भी अच्छे से हो रहा है, दवाइयाँ भी अच्छी है। आम जन को किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार तमाम कदम उठा रही है। इस दिशा में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना काफी महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।